अच्छा जी, ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे आए, मैं ऐसे ही वो ब्लॉग बना रहा था तो ये बीच आ गए, तो मेरा एक मैसेज है उन सब पेरेंट्स के लिए। इधर ही रहो, कुछ नहीं कहता यार, इधर आओ। डर क्यों गए? वो बच्चा डर के पीछे आ गया। हाँ, ये वीडियो बन रही है, मैं ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा एक मैसेज है हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, माओ के लिए, बाप जो बाप इन बच्चों। इधर ही रोना यार, इधर आओ, और इधर आओ यार, कुछ भी नहीं होता यार। एटलीस्ट अपने बच्चों को लिखा पढ़ा नहीं ना सकते? अब ये बच्चे चले गए, अब देखें, अब बच्चे ये इतने समझदार हैं, इन्हें पता है कि यार ये चीज़ गलत है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट अगर बच्चों को आप पढ़ा नहीं ना रहे, तो उनके दिमागों में ये चीज़ें इंडल्ज नहीं करो, ये चीज़ें नहीं डालो कि तुम जाके मांगो। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि आपको दिहाड़ी नहीं मिल सकती। या ये बच्चे ये चाइल्ड लेबर है यार, ये चाइल्ड लेबर है, ठीक है? और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, ठीक है? तो अब मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा, कई लोग इस पर बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, ओ जी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार, पहली बात है कि इनको काम नहीं करवा, इनको इन कामों पर नहीं लगाओ, ठीक है? अगर इनको कामों पर लगाना है तो यार इनको कोई स्किल सिखा दो, इनको कुछ कोई ऐसी स्किल सिखा दो जो इनके काम आ जाए, जिससे इनकी लाइफ में जो जिसमें ये ग्रो कर सके। अगर ये करके अगर ये बड़े होंगे तो कल 30 साल की उम्र में भी ये ऐसे मांगते रहेंगे। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है, अभी मेरे माइंड में वो बच्चे आए तो मेरे माइंड में आ गया।